हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो, नए व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग है हमारा धनतेरस का व्लॉग। तो आज है धनतेरस और दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। और इस दिवाली मैंने सोचा था कि चलो आज से मैं छुट्टी लेती हूँ स्कूल की, मैं छुट्टी लेके आई कि चलो आज से रेस्ट किया जाएगा। बट इतना देखिए, इतना काम करके आ गई, मेरे हाथ भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा धोखा मिल चुका है। क्योंकि हमारी जो मेड थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो पिछले दो दिन से नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि वो आगे के दिन आने वाली है। तो इसी धोखे के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अरे इसको देखो ना, ये दे रहा कंटेंट से सही है। लो गाइस, मुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, क्या थी वो लाइन, क्या था वो लाइन? हाँ हेलो गाइस, बाल खराब हो गए तो बाल सही करके आते हैं क्या? इज टू मच उफला। तो गाइस आज है दशहरा और अब हम अपना दशहरे की शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। ओ सॉरी, बोल। ट्रक, अदरक, ट्यूशन, बुआ, पंकू, नीसू, नीसू। हाँ नीसू, मम्मी का नाम नीसू है ना? नीसू, नीसू बोल। खाता हूँ आपको ये पहन लिया, ताकि पोको पैंट्स, मामी पोको पैंट्स, ये पोको पैंट्स, ये पर दे बचा है ये। एक बार और ये पैकी पोकी पैंट्स। बाप रे, कैसा कर रहा है ये पोको वाली से? अच्छी नहीं लाए आज से पोको, तेरे साथ ही सोएंगे। हां एक चक्कर जाके आ रहा, बस हो गया। मामी पोको पैंट्स, मैकी पोकी पैंट्स, मामी पोको का व्हील्स ऑन अ बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, द व्हील्स ऑन, लेट मी गो, द व्हील्स ऑन अ बस गो राउंड एंड राउंड ऑल द टाइम, द व्हील्स ऑन अ पोकी पैंट्स। हेलो, अपनी बुआ को लेके आया। ब्लॉग बन रहा है क्या? यस। हैप्पी धनतेरस सारे सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से, दो चार जितने भी हैं, दो से चार। यहाँ पे ये मैम जाते हुए। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ दिवाली के शॉपिंग के लिए। तो अब हम चलेंगे, ये रहा मेरा आज का OTT आउटफिट। तो चलिए अब चलते हैं घर पे और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे अपनी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, अब हम जाने लग गए हैं बाजार को और रेडी होने लग गए हैं। अरे मम्मी ला गई, ये देखो, एक एक करके चीजें आती रहनी है हमारे घर पे। और अब ये क्या आया है, कितने रुपए फूक के आई है मम्मी आप? 2000 रुपए का, ये 2000 रुपए का आता है ये? यार मुझे तो कोई कहता इलेक्ट्रिक केटल 400 रुपए का आ जाता है। 400 रुपए का, ये इलेक्ट्रिक केटल 400 रुपए का नहीं आता क्या? इलेक्ट्रिक केटल तो खराब नहीं होगा गाइस। चलिए, 2000 रुपए की हमें चपेट लग चुकी है, अभी बाकी हम बाजार जा रहे हैं। क्या आप 2000 रुपए का कितना में देना? तुम्हें नवाजा नहीं जा रहा है, वापस रखो यहीं पे इसको। अभी कुछ मुझे लग रहा है गले का लेती है, खाली पहन दिया गाइस। और हमारी आज लोहागट की बाजार में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है। जल्दी लो यार जो ले रहे हो, और भाभी के लिए कुछ नहीं लिया जा रहा था इसलिए चलो चलो कह रही है। देख लिया, बस देख लिया, चले चलो। ये आगे आगे चल रहे हैं और हमें पहचान ही नहीं रहे। मम्मी तू भाग रहे हो हमको देख, कैसे तुम लोग मुहूर्त निकल रहा है बर्तन लेने का, इसलिए भाग रहे हैं। अब आ चुके हैं लास्ट डेस्टिनेशन में, जहाँ भी जा रहे हैं इतनी भीड़ मिल रही है जिसकी हद नहीं है। और ये हमने शॉपिंग करी है थोड़ी सी अपनी सर्दियों की, जो कि है वुलन कुर्ते। सारी शॉपिंग करके आ गए हैं और वहाँ पे मम्मी दिखाते हुए आम को कि हम क्या लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तक ये ऐसे ही हैं भूले, मुझे नहीं लगता इस बार मेरे से ये बन पाने वाले हैं। देखिए इतना ढेर सारा सामान,
दिखाओ तो क्या लेके आए, सारे भंडार में क्या क्या लाए तुम? ये पालक लेके आए इतनी देर बाजार में घूमते? हमने तो जो भी लिया था गाइस, हम तो सिलवाने दे आए। कौन लाए थोड़ी तू सिलवाने देखी आई भी? ये लाई है ये बर्तन। जय 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 हनुमान जी की जय। हम लेके आए हैं एक एक तोरण। अभी और हम लेके आए हैं दो मालाएं। अच्छी लग रही है ये माला तो, 80-80 रुपए मंदिर में। अच्छी लग रही है गाइस, अगर आप ये लेना चाहते हो तो ये आइटम है मंदिर में, 80 रुपीस का मंदिर में लगाएंगे। और गाइस हम ये लेके आए पर्दे। और क्या बाजार से आ गए और भूख लग गई है इन लोगों को। मैं थोड़ी एंजल के लिए बना रही हूँ। अच्छा, ससुराल जा रही है और किचन को पूरा तहस नहस कर दिया इसने। ये ना जितना फैलाया ना ये किचन, इतना ही समेट के भी जाना। ये डब्बा है, ये मैंने नहीं कहा। इसमें लोगों कमेंट करके बताना कि किचन फैला है नहीं फैला है। हाँ, सिर्फ ये जो चार ब्रेड है ये भी रखा है और ये घी का डब्बा। एंड यहाँ पे देखिए लोगों की इतनी मिठाइयाँ आ चुकी हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी स्पेशल अलग टाइप की मिठाई जो कि आई है पीलीभीत से। कैसी गाइज ये मिठाई हर साल आती है और हर साल हम बिल्कुल बहुत कम जेली आंवला यार। इस बार तो इसमें आंवला लड्डू तो है ही नहीं, काफी कम मिठाई है इसमें। किसी ने आधे रास्ते में इसमें नहीं, से खाई क्योंकि लड्डू यहां पे से भी। ये देखिए अब ये मिठाई देखिए, ठीक है, ये है देखने में तो गुआवा बर्फी, आंवला बर्फी एंड ड्राई फ्रूट्स एंड बेल बर्फी। आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है गाइस, देखने में पर जेली टाइप्स लग रही है, लेकिन ये पर पिछले 3-4 साल से तो खा ही रहे हैं शायद हम, ये 5-6 साल से खा रहे हैं। नॉट माय टाइप। 5-6 साल से खा रहे हैं गाइस हम इसको, पर ये थोड़ी सी मतलब कि ना ऐसा लगता है जैसे कि हम, मैं बताती हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा होता है। इसको खा के ऐसा लगता है जैसे कि हम चमन। हमारी लाइटें लग चुकी हैं। क्या बोल रही है? इधर भी और उस साइड भी, अब उस साइड दिख ही नहीं रहा है। चलो हट भी हो रहा है, हट जाओ वहाँ से, वो फूट भी रहा है। देखो वो जल रहा है और इनका यहाँ देखो इतनी दूर से, एक का है, एक दर को का है, एक दर को पीछे हो। ये ना वो कैसे हो रहा है? सीरियस माहौल बहुत ही ज्यादा। जल्दी छोटी कैसे होगी? चलो 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 ये भौंका है, उठना भौंका तो दिखा। अभी हम निकल चुके हैं पटाखे लेने के लिए और ये रही हमारी लोहाघाट की मार्केट जो कि सज चुकी है। अंधेरा खुला होगा कि नहीं? तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है गाइस। ये रहा हमारा सरकारी हॉस्पिटल एंड अब आ चुका है लोहाघाट का राम मंदिर। अच्छा आज ये जलाना पड़ता है कह रहे हो? आज यम का दीपक जलाया जाता है। यम मतलब क्या हुआ? चार मुंह वाला। नानी रोग रहे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य है तभी माया आती है। पहले यम का दीपक कुबेर जी की पूजा करती है, ये सब मैंने सुना था। छोट से बोलो थोड़ा, क्या बोला आपने अभी? ये यम का दीपक है। यम का दीपक है गाइस, आयु के लिए, घर की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, इसलिए आज यम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। गाइस अगर कुछ गलती करी है तो घर आके इनको पीटना है, मेरे को तो कुछ पता है नहीं। गाइस बहुत सारी मिठाइयां लपेटती थी ना ये, पता हो गया इसके दांत पे दर्द।
क्या हो गया इंजन? क्या हो गया बताओ तो एक बार। बस हो गया, क्या हो गया तेरे को? क्या कह रही है?